हाँ भाई, वेलकम टू जी कवर। देखिए, एक क्वेश्चन रेगुलर बना हुआ है कि सर जो न्यू कट ऑफ आई है उसके अनुसार जो एडमिट कार्ड है वो कब से आएंगे, ठीक है, और 20 तारीख निकल के क्यों नहीं आए अभी तक। तो देखिए, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूँ कि जो न्यू कट ऑफ आई है वो अभी बताई गई है कि इस कट ऑफ के बच्चों को बुलाया जाएगा। अभी उनके लिए कोई भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया गया, यानी कोई भी जो साइड है ऑफिशियल वो ऑन नहीं की गई है, ठीक है। एक नोटिस आई थी आपकी 19 तारीख की, ठीक है। 19 तारीख को जो नोटिस आई है इसमें लोगों को क्या बहुत सारा परेशान कर दिया, आप लोग समझ नहीं पाए, ठीक है। मैं बस ये क्लियर कर दूं कि आप लोग समझ नहीं पाए इस नोटिस का मीन्स क्या था। मैं आपको पढ़कर बता दे रहा हूँ और आपकी सभी टेंशन जो बनी हुई है सबके दिमाग में वो भी मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, 19 की ये नोटिस है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आरक्षी, नागरिक, पुलिस एवं PSC के पदों पर सीधी भर्ती हेतु जो है 2018 के प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व में, ठीक है, क्या लिखा है देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूर्व में संपादित अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही में सफल अभ्यर्थी लोगों के लिए जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है, उन्होंने के लिए है जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए और जिनका जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा की कार्यवाही नहीं हो पाई थी, उन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगी कब से होगी वो 24/12/2018 से 27/12/2018 के बीच होनी है, ठीक है। और देखिए, केंद्र भी बता दिए किन केंद्रों पर होगी। देखिए, एक तो आपका होना है लखनऊ पे, ठीक है, और एक होना है आपका मेरठ के अंदर, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है लेकिन अभी रनिंग नहीं हुई है। देखिए, नीचे भी एक नोटिस दिया हुआ है, क्या बोल रहे हैं, जिस अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा की कार्यवाही नहीं हो पाई थी उन अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र जो हैं कब से डाउनलोड होंगे, 20/12 से जो डाउनलोड होंगे वेबसाइट पर, ठीक है। तो जो 20/12 से डाउनलोड होना शुरू हुए हैं ये उन लोगों के लिए डाउनलोड होना शुरू हुए हैं जो पहले से क्या कर चुके हैं, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखिए, ये जो आपके लिए नहीं है, सिंपल सी बात बता ली, आपके लिए नहीं है, जो न्यू कट ऑफ आई है, मैं आपसे एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है, अपनी रनिंग करते रहिए, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, सुनहरा मौका है, रनिंग करते रहिए, आपको समय मिल रहा है उस कट ऑफ में, अगर आप आ रहे हो तो आप रनिंग करते रहिए, आपका सिलेक्शन बहुत आराम से होगा। अभी जब ये जो देखिए यह क्या बोल रहे हैं, ये 20 तारीख से इनके डाउनलोड किए इन्होंने और कब से कब तक होने हैं, 24 से 27 के बीच, यानी जब इनकी आपकी जो रनिंग हो जाएगी इसके बाद जो न्यू कट ऑफ है उसके अनुसार ये एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करेंगे और फिर आप लोगों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रनिंग के लिए बुलाएंगे, यानी काफ़ी समय जो आपको मिल रहा है तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। दूसरी बात मैं बोल दूं कि जहां पर ये क्वेश्चन बने हुए हैं कि क्या सर 18 और 19 को फिर से फ़ायदा होगा या आपका 25 और 26 वालों का फिर से फायदा इस बार फ़ायदा होना है, तो देखिए इसकी कोई जानकारी नहीं है, मेरे पास तो नहीं है और जिनके पास है भाई हम मानते नहीं कि उनके पास है किसी प्रकार की, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी कहीं पर उपलब्ध नहीं है, ठीक है, और हमारे पास भी नहीं है। तो भैया हम तो बोलते हैं साहब कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि इस बार किसको फ़ायदा होने वाला है और किसको नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह के भ्रम में बिल्कुल ना रहिए, जो भी बोल रहा है ऐसा है कि उसकी बात को आप सुनिए ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि ऐसी कोई भी जानकारी जो है अभी उपलब्ध नहीं है कि इस बार जो फ़ायदा किसको होने वाला है, 18-19 वालों को कि 25 और 26 वालों को। देखिए, हमारे दोनों ही अपने हैं, 18-19 वाले भी और 25-26 वाले भी, ठीक है भैया। जिसके साथ भी अच्छा हो और जिसके साथ बुरा हो तो हमारे लिए भी अच्छा और बुरा है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल भी आपको नहीं बताते कि हाँ इस बार फिर से 18 वाले का फ़ायदा हो गया, 25 वालों का नहीं होगा, 26 वालों का, इस तरह की कोई भी जो अफवाहों से बिल्कुल दूर रहिए। जो भी होगा उस कट ऑफ के अंदर आपको पता चल जाएगा जब इनके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे, ठीक है। तो अभी कोई एडमिट कार्ड का जो लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, अभी इन्होंने किसी प्रकार की कोई जो लिंक जो है ओपन नहीं किया है जो न्यू एडमिट कार्ड डाउनलोड हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी होगा तो GK वर्ल्ड पर आपको बता दिया जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं फिर बोलूँगा, अगर उस कट ऑफ के अंदर आप आ रहे हो इस बार तो अपनी रनिंग करते रहिए, क्योंकि ये सुनहरा मौका मिला है आपको, आपको आराम से क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये आपको टाइम दे दिया इन्होंने, पिछली बार वालों को तो टाइम भी नहीं मिला, ठीक है, आप लोगों को तो टाइम भी मिल रहा है। तो अपनी तैयारी करिए और फालतू की न्यूज़ से दूर रहिए, ठीक है, ओके। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
तो ओके तैयारी में लगे रहिए, जो होगा हम आपको अपने चैनल के द्वारा ज़रूर बताएंगे, ठीक है। ओके थैंक यू, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना भाई, जो लोग परेशान हैं उनको भी थोड़ी शांति दीजिए, क्योंकि थोड़ा सी नोटिस पढ़ने में समस्या है, तो थोड़े से लोग नहीं समझ पाए इस बात को, ठीक है। ओके धन्यवाद।